हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या पांडे माया क्रिएटिव गार्डन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और मेरे जितने भी प्यारे मित्र मेरे साथी इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध करती हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, ये जो जिस प्लांट के विषय में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ वो है मदर ऑफ थाउजेंड। ये बहुत ही सुंदर पौधा है, इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। ये एक तरीके से सकुलेंट प्लांट है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ओवर वाटरिंग का नतीजा क्या होता है हमारे प्लांट्स में। तो ओवर वाटरिंग से दोस्तों इसके पत्ते जो है गलने लग जाते हैं, जिससे हमारा पौधा जो है मर जाता है। ये देखिए, ये है ओवर वाटरिंग। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये पत्ता बिल्कुल पीला हो चुका है, यानी ये सड़ने वाला है ये पत्ता इसका। तो कभी कभी जो है घर में कोई और भी हमारे हैं जो पानी वगैरह दे देते हैं, तो जिस वजह से ये पौधा जो है ओवर वाटरिंग से जो है गलने लगता है। नीचे से आप देख रहे हैं तो इससे ये हमारा पौधा जो है मर जाता है। तो इसे बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी है। आज जो मैं जानकारी आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों, वो है इसको एक प्लांट से आप किस तरह जो है हजारों प्लांट बना सकते हैं। ये एक पौधा है जो एक पौधे से हजारों प्लांट हमें देता है। तो ये आप देख रहे हैं इसके किनारे किनारे जो है ये इस तरीके से बीड्स जो बन गए हैं। ये देखिए, आप सोचिए कि एक पत्ते में ये कितने सारे इसके ये बीज बने हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये बीड्स टाइप के, ये देखिए इसमें भी कितने बने हुए हैं। तो ये जो बीज हैं दोस्तों, ये जहाँ पर भी गिरते हैं ये पौधा वहीं से ही ग्रो हो जाता है। तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है इन बीजों के द्वारा। अगर ये बीज जहाँ भी गिरेंगे ये पौधा बन जाएगा। तो बस ये पौधे का दोस्तों यही एक फ़ायदा है, प्लांट हमने एक लेंगे और कई प्लांट हमें मिल जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए कि ये इसके बीज जो हैं गिरे जहाँ पर भी मेरे इस पॉट में। ये मेरा छोटा सा पॉट है और आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसके अंदर आप देख रहे हैं छोटे 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 जो हैं ये इसके छोटे छोटे पौधे जो हैं तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप, ये इसी पौधे के हैं। ये देखिए, तो ये जहाँ जहाँ इसके बीज गिरे हैं ये पौधा यहाँ से और जो है बनने लगा है। ये देखिए आप, पीछे देखिए आप, ये देखिए आप, सोचिए मेरा एक पौधा है जिससे मुझे इतने सारे पौधे मिलने वाले हैं। और ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये पीछे ये भी देखिए, ये होता है इस पौधे का लाभ कि अगर हम एक पौधा लेते हैं तो हमें कई पौधे इससे मिल जाते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है पौधा दोस्तों। इसको आप जो है सेरेमिक पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। इसके लिए दोस्तों बस कुछ भी नहीं हमें करना है, बस करना ये है कि ये देखिए, ये इसके जो है बीज गिर गए हैं। तो बस आपको करना है कि आप ये बीज को इस तरह लेंगे। ये मेरा पॉट है जिसमें मैंने ये अपना सेंसिवीरिया की कटिंग लगाई हुई है, तो मैं इसी में ही उन बीजों को इस तरह से बस डाल दे रही हूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरीके से इन्हें तोड़ना है। ये देखिए, ये किनारे किनारे से इस तरह लेना है और इस तरह इससे ये आप अपने इसमें इस तरह इनको डाल दीजिए। बस ये जहाँ भी गिरेगा और वहीं से हमारा पौधा जो है ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बस इस तरीके आपको करना है। ये देखिए, ये तो आप देखेंगे कि ये बहुत जल्द जो है ये जो पॉट है मेरा, इसमें भी ये प्लांट जो है मेरे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो मुझे इस तरीके के पौधे बहुत पसंद है दोस्तों, कि अगर हम एक पौधा नर्सरी से लें या कहीं से उसकी कटिंग लेकर आते हैं और उसके कई प्लांट हम लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने एक पौधा लिया और से कई पौधे अपने तैयार कर लिए। तो बस इस तरीके से आपको जो है इसे करना है और ये बहुत जल्दी जो है
ग्रो हो जाएगा और बहुत आसानी से एक पौधे से कई पौधे तैयार हो जाएंगे। बस इतना आसान है ये, आप देखिए, ये देखेंगे आप, ये बस इस तरह से मैंने देखिए ये इसमें डाल दिया है। और कुछ समय बाद जो है आप सोचिए, एक पौधे से ये मेरे कितने अनगिनत पौधे, ये देखिए अनगिनत हैं, ये देखिए अनगिनत, ये देखिए, और ये अनगिनत पौधे इसमें मेरे तैयार हो जाएंगे, ये देखिए। तो दोस्तों, गार्डनिंग का ये एक बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है जब हम एक पौधे से अपने कई पौधे तैयार कर लेते हैं। तो ये थी आज मेरी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।